आर्टिकल 370 में आर्टिकल 370 के बारे में मैंने आज ही भास्कर में मेरा लेख छपा उसमें सुझाव दिया है कि अगले एक हफ्ते में मैं चाहता हूँ अगले एक हफ्ते में संसद को फिर आहूत किया जाए समन किया जाए दो दिन की समन और धारा 370 को खत्म संकल्प भी है और मेरा कहना यह है कि सिर्फ दो दिन के अंदर धारा 370 को खत्म किया जाए क्यों खत्म कश्मीरियों को तंग करने के लिए कश्मीरियों का अपमान करने के लिए वचन भंग करने के लिए लेकिन कश्मीरियों को ये कहने कि जैसे भारत के अन्य नागरिक जितने वो आज़ाद हैं उतने तुम आज़ाद जितने अधिकार उनको हैं उतने अधिकार तुमको है जितना सम्मान उनका है उतना ही सम्मान तुम्हारा सम्मान किसी तरह से कम नहीं है लेकिन तुम 370 के जरिए ज़्यादा सम्मान ज़्यादा अधिकार ज़्यादा आज़ादी की बात करते हो तुम हमको ढोंगी बनने के लिए प्रेरित कर और तुम खुद भी हवा में ले रहे 370 खत्म करके हम ज्यादा का लालच भी खत्म करेंगे और कम होने की इच्छा भी खत्म करेंगे बराबर होने की इच्छा करेंगे और ये बात मैंने तथा कथित आजाद कश्मीर गुलाम कश्मीर पाकिस्तानी कश्मीर के जो प्रधानमंत्री हो मुझे जब भी मिलते रहे रावलपिंडी में लाहौर में न्यूयॉर्क काबुल में भी एक बार भेंट हुई अचानक भेंट हुई मैंने पूछा क्या करते हैं सुनाई के लिए प्रधान मैं वजीर आजम जिनके ये पूछ वजीर आजम करना भी नहीं मैं आजाद कश्मीर का वजीर आजम उनको भी मैं कहता रहा कि आप ये उसे कहने लगे कि आप कश्मीर की आज़ादी के बारे में आपको क्या कहना है मैंने कहा कश्मीर की आज़ादी मैं आपसे भी बड़ा समर्थक हूँ सबसे पहले जिस आज़ाद कश्मीर के आप प्रधानमंत्री उस कश्मीर को आज़ाद कराइए वो गुलाम कश्मीर है नहीं बोले आप अपने कश्मीर के बारे में कहा मेरे कश्मीर के बारे में मुझे यही कहना है कि आज़ादी का पूरा पक्ष है लेकिन आज़ादी कैसे जो आज़ादी मुझे नहीं दिल्ली में वही आज़ादी आपको मुझे फराबाद में वही आज़ादी शेख अब्दुल्ला को श्रीनगर में होनी चाहिए जो आज़ादी मुझे जो आज़ादी नवाज शरीफ को राहुल में वही शेख अब्दुल्ला को श्रीनगर में होनी चाहिए और दोनों कश्मीरों को एक होना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर खाई न बने पुल बनना चाहिए लोगों ने हाफिज सईद वाला विवाद चला मेरे इस बयान को समझे बिना विवाद पैदा कर डॉक्टर बेदी कश्मीरी आज़ादी का प्रश्न अरे कश्मीरी क्या मैं हर मनुष्य की आज़ादी का प्रश्न मैं हर पशु की आज़ादी का प्रश्न मैं तो चाहता हूँ कि पशु की भी कोई हत्या न करे उसकी भी सम्मान की रक्षा तो अगर हम वास्तव में इस देश का नक्शा बदलना चाहते हैं तो पहले हमें भी दृष्टि स्पष्ट